रोहितास कहने लगा भैया रोहिता लीनो जन्म सो मर तो है यो जन्म लेता है वो मरता है। तारा बोली लाला तेरी माँ तेरे बिना मर जाएगी। रोहितास कहने लगा मैया रोए ना, ये संसार जो है एक सपना है, यहाँ जो आता है वो चला जाता है। और बोला है रोहितास हे माँ गोद में ले लिया, फपक फपक करके भाई रोने लगी, कहने लगी लाला तेरी माँ तेरे बिना मर जाएगी, अकेला मेरे आंखों का उजाला मुझे छोड़ के चला गया बेटा, तेरी बूढ़ी मैया तेरे बिना मर जाएगी। अभी तक तेरे पिता से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, एक बार मुझे सरोवर पर मिले थे, उसके बाद पता नहीं हो पाए। तारा को पुरानी याद आ गई, माताओं के लोग भाइयों
करती है। तारा कहने लगी लाला, अरे लाला तेरी बार लाती करी, मेरी सुनी करी लो बोलया तेरी मैया नारी मरी। आशु भैया सिंह के बीच में नोटों का हाथ डाल के सम्मान दे रहे हैं, दौरे से आए हैं, भगवान सुख शांति दे। आज भाइयों तारा को कोई धीर बनाने वाला नहीं है बाग में। मालिन आगे कहने लगी, बहन रोने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा बेटा बहुत देर का मरा पड़ा है, इसे ले जा करके मरघट में जला दो। पूछो क्या हालत होती है, जिस बहन का भाई चला जाता है उस बहन को पूछो क्या हालत होती है, जिस बेटे का बाप चला जाता है उसे पूछो कि उसकी क्या हालत होती है। आज तारा का हाल बेहाल है भाइयों, लाला रो रहा है, उसके बाद में रोते रोते सांस उसकी बंद हो गई, मुंह से पीला पीला झाग निकलने लगा। तारा ने लैस को गोद में ले लिया, बुरी तरीके से रो रही है, उसे कोई धीर का बनाने वाला नहीं है, हाल बेहाल है भाइयों। मालिन ने कहा है, बेन तुम्हारा बेटा बहुत देर का मर चुका है, इसे ले जाओ, इसकी लैस को जला दो, नहीं तो ये मिट्टी इसकी खराब हो जाएगी। तारा ने लैस को उठाया है भाइयों, मरघट में गई है, मरघट में हरिश्चंद पहरा दे रहे हैं। हरिश्चंद ने पहचानने से इनकार कर दिया। तारा ने कहा है, महाराज उस दिन की याद करो जब सरोवर पर तुम गए थे तो तुमसे घड़ा नहीं उठ रहा था, तो मैंने तुम्हें अकल बताई थी कि घड़ा गहरे जल में घुस के उठा लो। महाराज कोई मैं गैर नहीं हूँ, वो ही हूँ जिस दिन तुमने हमारे साथ में शादी की थी, क्या दिन वो भूल गए हो। हरिश्चंद कहने लगे, तारा मैं नहीं भूला हूँ, वो दिन मुझे याद है, लेकिन ये मरघट मेरे बाप का नहीं है, मैं मजूरी कर रहा हूँ, मुझे तारा मुझे ज्यादा नहीं सिर्फ कर का टका दे देने बेटे को जला दूंगा। आज भाइयों ये बात जैसी सुनी तारा के आंखों से आंसू आ गए, कहने लगी, महाराज आप हमारे पति, तुम्हारा बेटा, बेटे को आप पैसा लेकर के जलाओ, तुम्हें शर्म नहीं आती? आज बेटे को तुम पैसा लेके जला रहे हो ना। हरिश्चंद कहने लगे, तारा वो बात नहीं है, बात ये, अरे भातों को कर ख्याल, याद करू पाती न कीजे को, अरे भातों
कहता नहीं हूँ। जब से हमें सर्प ने खाया है तब से कथा कहना मैंने बंद कर दिया। हमारी पत्नी सुनाती है लेकिन हम मजबूर था। आज मेरी पत्नी ने कहा आप सुनाना। 2 साल से मैं भागवत नहीं कहता हूँ, भागवत बहुत कम कहता हूँ। हमारी पत्नी स्वयं कथा पढ़ती है, मैं तो सिर्फ साथ देता हूँ। इतना बोलता हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद है। मैं तो पागल हो गया था। ये दिन याद आता है तो मैं भी सोचता हूँ अगर मैं चला जाता तो मेरे बच्चे का क्या होता, मेरी पत्नी क्या करती, कहाँ जाती। ज्यादा से ज्यादा आपने माना हमारे साहिल साहब, बीपी यादव, सीपी यादव, बड़ी समाज में मैंने कह दिया आप हमारे रियल साले हो। एक नहीं, हमारे 4 साले हैं, हमारी सालियां हैं, सब कुछ है, जीवन में नहीं भूलेंगे। लेकिन दुख हर व्यक्ति के सामने आता है, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। जो आज आप रो रहे हो, कोई दिन हमारी पत्नी भी रो रही थी एक दिन। लेकिन बहनों का आशीर्वाद है, भाइयों का आशीर्वाद है, जोड़ी में दुख नहीं लिखाता, सामने बैठा हूं। उस दिन की याद करो तारा। अरे भाई तुम बात ना पंडितानी, अब तरने लागी लाश की कारण गंगा को पानी। स्वामी जी तारा को हरेश